नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद जीवन दर्शन उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में भाग 3, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। किसी भी साहित्यकार के जीवनादर्श उसके जीवन दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं और अपने इन जीवन दर्शन को वो अपने वंशानुक्रम प्रभाव से, संस्कारों से, संस्कृति से, परंपराओं से, अपने आसपास के वातावरण से, जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रमुख घटनाओं के माध्यम से, अपनी शिक्षा के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, चिंतन के माध्यम से निर्मित करता है। और जब उसके ये जीवन मूल्य निर्धारित हो जाते हैं, तब काल प्रवाह के साथ साथ साहित्यकार अपने इन दर्शनों को युगानुरूप अपने साहित्य के माध्यम से अपने पाठकों के साथ साझा करता है। जीवन दर्शन युग क्रम के साथ परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। साहित्यकार अपनी जीवन दृष्टि, अपने विचारों को अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध करता है। प्रेमचंद मानवता, स्नेह, प्रेम से संयुक्त जीवन को ही जीवन की सच्ची कसौटी मानने के पक्षधर थे। पूजा पाठ, धर्म इत्यादि में उनका अधिक विश्वास नहीं था। उनके अनुसार धर्म पाखंड को फैलाता है और सच्ची मानवता, निस्वार्थ सेवा, इसे ही वे धर्म मानते थे। गोदान में प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने लिखा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्म योग कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद कर्म में विश्वास रखते थे और वो सेवा को जीवन का आधार मानते थे। प्रेमचंद के मत के अनुसार ईश्वर में आस्था और विश्वास का अर्थ है संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में आबद्ध करना। प्रेमचंद धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों का विरोध करते थे और उनका मानना था कि धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास आपको संकीर्ण बनाते हैं। यदि आपको सच्चे अर्थों में मानवता की बात करनी है, तो हमें ऊंच नीच, जाति इत्यादि भेदों से अपने आप को अलग रखना होगा। रंगभूमि उपन्यास का सूरदास कहता है, संसार में कौन है जो कहे कि मैं गंगा जल हूं। हर व्यक्ति मोह माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी इसके महाकर्षण से मुक्त नहीं हो पाते। सूरदास ये समझाना चाहता है कि संसार में हर व्यक्ति के जीवन का एक कलुषित पक्ष भी है। कोई भी गंगा जल की तरह पवित्र नहीं है। जब हम इस संसार में आते हैं, हम सब जानते हैं कि ये संसार मोह माया से भरा हुआ है और सबका अंत मृत्यु उपरांत उसी परमात्मा में मिल जाना है। फिर भी हम इस संसार में आकर विभिन्न प्रकार के मोह में फंस जाते हैं। और साधु संत, जबकि वो ये कहते हैं कि वो मोह माया के आकर्षण से अलग हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, पर फिर भी
कहीं ना कहीं ये मोह का तंतु उनमें रहता है। गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता प्रेमचंद के मानव धर्म संबंधी दर्शन का परिचय देते हुए वर्तमान के महत्व की स्थापना करते हैं। उनका दृढ़ मत है कि जो हो चुका वो भूत है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में पूर्व में कोई भी अनुमान लगाना अनुचित होगा। अतः वर्तमान को ही उसकी पूरी सार्थकता के साथ मनुष्य को जीना चाहिए। प्रोफेसर मेहता की उक्ति है, जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, मैं भूत की चिंता नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का मार हमारी कमर तोड़ देता है। वो आगे बोलते हैं, जो शक्ति जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। जीवन पर्यंत मनुष्य मेरा तेरा अच्छा बुरा तू कौन मैं तुझसे श्रेष्ठ इसी में लगा रहता है। अगर तुमने मेरा एक समान लिया तो मैं तुम्हारे दो समान लूंगा, ये बदले की भावना हमें और निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी बना लेती है और हमारा जीवन इसी बदले की भावना में व्यर्थ हो जाता है। प्रेमचंद के अनुसार सामाजिक सुधार की बात हम सभी करते हैं, पर यह सामाजिक सुधार कब हो सकता है? ये तभी संभव है जब सब अपना काम निस्वार्थ भावना से करें, ईमानदारी से करें। अगर हमारे काम में स्वार्थ की भावना होगी तो हम निश्चित रूप से दूसरे का अपमान करने से नहीं झिझकेंगे, दूसरे का विरोध करने से नहीं झिझकेंगे, दूसरे को कमतर समझने से अलग नहीं होंगे। समाज में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसके अधीनस्थ जितने भी लोग हैं वो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कितने संतुष्ट हैं और कितने आहत हैं। प्रेमचंद मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों पर आधारित धर्म को मानते हैं। जो धर्म कर्म कांडों में विश्वास रखता है, अंधविश्वासों पर आधारित है, उसे उनकी दृष्टि में त्यागना उचित है। श्रेष्ठ धर्म मनुष्य में सेवा त्याग प्रेम संघर्ष संवेदना सहिष्णुता इत्यादि भावनाओं को विकसित करता है। इसी तरह से प्रेमचंद का मानना है कि पाप और पुण्य की भावना क्या है? पाप का बीज मनुष्य के हृदय रूपी मिट्टी में विकसित होता है, और जैसे हम किसी बीज को मिट्टी में डालकर उसे पल्लवित और पोषित करते हैं, उसी तरह से इस सांसारिक कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पाप रूपी बीज को अपने मस्तिष्क में निरंतर पल्लवित पुष्पित और विकसित करता रहता है। प्रेमचंद व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति के समुचित विकास से ही किसी समाज का विकास हो सकता है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से मिलें ऐसा संभव नहीं है,
या हम कह सकते हैं जरूरी नहीं है, पर हमें उन विचारों के मध्य एक ऐसा मार्ग विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे मानव मात्र का विकास हो सके। इसी तरह से प्रेमचंद ने शोषक और शोषण इन दोनों को अपना समर्थन नहीं दिया है। प्रेमचंद की उक्ति है, मैं इस बात का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। संसार में जो बहुत अधिक अमीर है वो निरंतर अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो अत्याचारों की मार के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण तथा किम कर्तव्य विमूढ़ अपने व्यवहार के कारण वो और अधिक निर्धन होता जाता है। ये अमीरी और गरीबी का जो एक भेद है वो संसार में रहेगा अवश्य, किंतु उसको मिटाने का, उसके मध्य की खाई को कम करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यक्ति समाज का अंग है और व्यक्तियों के समूह से समाज की संरचना होती है। इसलिए एक के अभाव में दूसरे की परिकल्पना करना भी असंभव है। प्रेमचंद व्यक्ति को समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने के पक्षधर थे। उनके पात्र वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने पर भी अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं करते हैं। वो अपने व्यक्तित्व के गुण और दोषों के साथ ही समाज में अपने वर्ग को आगे लेकर आते हैं, अपने जैसे अन्य लोगों की परिस्थितियों को, समस्याओं को पाठकों के समक्ष साझा करते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने लिखा है, समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। हम जिस भी प्रकार के नियम बनाएंगे, जिस भी प्रकार की सामाजिक सीमाओं का निर्माण करेंगे, वो सब के सब व्यक्ति पर घटित होंगे। इसलिए व्यक्ति को भूलकर समाज विकसित नहीं हो सकता, या हम ये कहें कि समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। प्रेमचंद के पात्र समाज का विरोध नहीं करते हैं, किंतु समाज के अंदर जो कुप्रथाएं हैं, सड़ी गले रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके प्रति अपना अविश्वास उत्पन्न करते हैं और इन अविश्वासों को प्रकट करके वो ये कामना करते हैं कि इनमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य होगा। ये पात्र मानवीय प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं और इसके साथ ही समाज की प्रगति, समाज की उन्नति की संभावनाओं को रेखांकित करने का भी प्रयास करते हैं। प्रेमचंद के सभी पात्र, चाहे वो गोबर हो, होरी हो, धनिया हो, प्रोफेसर मेहता हो, मालती हो, सूरदास हो, कोई भी पात्र आप ले लीजिए, ये सब सामाजिक हित में प्रयत्नशील हैं, उसकी बात करते हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से समन्वय की बात भी करते हैं। उन्होंने सर्वहारा वर्ग में पीड़ित लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से उस पीड़ा को, उस कराहा को ना केवल उन्होंने सुना, गुना
अनुभव किया, उसे इस बारीकी से अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया कि पाठक उस पीड़ा को अनुभव कर सके। और यही उनकी रचनाओं की सार्थकता भी है कि उनकी रचनाएं अपने पाठकों के साथ सीधे संवाद करती हैं। पाठकों को कभी ये नहीं लगता कि इस तरह के पात्र तो हमने कभी देखे ही नहीं, ये किस दुनिया के पात्र हैं। ये पात्र पाठकों को अपने आसपास बिखरे हुए लगते हैं और इसीलिए प्रेमचंद इस पीड़ा को लिपिबद्ध करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कटिबद्ध रहे। प्रेमचंद ने यह माना कि ग्रामीण अशिक्षित रूढ़िवादी कृषक और मजदूरों का निरंतर शोषण होता रहा है, जमींदारों द्वारा अपने स्वत्व के त्याग और समाजवाद द्वारा ही इस समस्या का निश्चित रूप से उन्मूलन किया जा सकता है। प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रेम शंकर कहता है, इसमें उनका अर्थात जमींदारों का दोष नहीं है, प्रजा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक नैतिक अवनति हो रही है। समाज का वह भाग जो बल बुद्धि विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसमें हृदय और मस्तिष्क के गुणों का समावेश है। वो व्यक्ति केवल इस जमींदारी प्रथा के कारण जब उसको ये लगता है कि मेरी परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तब वो आलस्य से भर जाता है। उसे लगता है कि मेरी स्थिति तो ऐसी ही रहेगी, अतः मैं क्यों प्रयत्न करूं। समाज में फैली ये अमीरी और गरीबी की विभाजक रेखा, छुआछूत की भावना, वर्ण व्यवस्था के मध्य का भेदभाव और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई, इन सब को प्रेमचंद अस्वीकार करते हैं और उन्होंने जनता का राज्य लाने के लिए गांधीवादी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन इत्यादि का अपनी रचनाओं के माध्यम से समर्थन किया है। रंगभूमि उपन्यास में उन्होंने काउंसिल प्रवेश का भी विरोध किया। छुआछूत की भावना के कारण मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश निषेध था। परिणाम स्वरूप समाज में निरंतर असंतोष की भावना विकसित हो रही थी। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत रैदासों की बस्ती में जाकर रहने लगता है, उनके साथ खाता पीता है, उनके लिए रात्रि में पाठशाला खोलता है और जितना हो सकता है उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करता है। उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि उनके समाज में जो कुरीतियां हैं, मृतक भोज करना, मद्यपान करना, चोरी चमारी करना, इन सब को दूर करना चाहिए। और ऐसा अमरकांत तभी करने में सफल हो पाता है जब वो रैदासों की बस्ती में जाकर रहने लगता है। केवल अमरकांत ही नहीं, इस उपन्यास में सुगदा, डॉक्टर शांति कुमार, नैना, इनके नेतृत्व में हरिजनों को मंदिर प्रवेश में सफलता मिलती है। प्रेमचंद मानते हैं कि समाज क्योंकि व्यक्ति से बनता है,
इसलिए जब राय साहब एक ओर जमींदार होकर भी शोषक के रूप में धनवान का जीवन व्यतीत करते हैं, तो दूसरी ओर इस वर्ग की निंदा भी करते हैं। प्रोफेसर मेहता उनसे कहता है, मैं कहता हूं हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुरूप हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायतें देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, तो आप खुद शुरू कर दें। आगे वो कहते हैं, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन जीते हैं रईसों का सा। प्रेमचंद मानते हैं कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर जमींदार सच में लोगों का भला करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद अपने रईसों के जीवन शैली को छोड़कर उस तरह का जीवन यापन करना चाहिए जिससे इस जो खाई है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो निरंतर बढ़ती दूरियां हैं, उन्हें समेटा जा सके। व्यक्तिवाद के विषय में प्रेमचंद की धारणा थी कि समाज में कभी भी एक रस्ता या समरसता की स्थापना संभव नहीं है। उनका मानना था कि सुख दुख को दबाता है, रोने को वो कमजोरी मानते हैं, और वो कहते हैं कि ईर्ष्या और जलन इस जीवन के विकार हैं। इसलिए अगर व्यक्ति आनंदमय जीवन जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो उसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी ईर्ष्या के जलन के अपने कर्म करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। प्रेमचंद मानते हैं कि भविष्य की चिंता किए बिना और अपने जीवन में हमने अतीत में क्या गलतियां की हैं, इस पे पश्चाताप ना करके उससे सीख लेते हुए रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों से अपने आप को बचाते हुए जीवन रूपी स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। ये स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना मात्र इतनी है कि जो कुछ हम इस जीवन में सुख प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग है, और जब हम कष्टों को, पीड़ा को, संघर्षों को अपने जीवन में देखते हैं तो वो नरक है। प्रेमचंद के अनुसार प्राकृतिक, सच्चा, सीधा, सरल जीवन ही जीवन की सच्ची कसौटी है। निर्मला उपन्यास में उन्होंने लिखा है, पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है, जीवन में उतना सार भी नहीं। इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। ये जीवन निस्सार है, ये जानते हुए भी कि एक ना एक दिन जिसने इस जीवन में पदार्पण किया है वो मृत्यु का ग्रास बनेगा, व्यक्ति इस जीवन को सजाने में, सवारने में अपना पूरा वक्त गुजार देता है। पानी में निकलने वाला बुलबुला बहुत सुंदर लगता है और हमें ऐसा लगता है जैसे वो स्थाई है, किंतु वो भी कुछ समय के बाद टूट जाता है। जीवन तो कई बार उतना भी समय नहीं लेता। व्यक्ति बिल्कुल हमारे सामने ठीक है, बोल रहा है, हंस रहा है, और अगले ही क्षण उसे मृत्यु आ जाती है।
तो जो समय है उस समय को आज सदुपयोग करना चाहिए, उसे सुंदर बनाना चाहिए और बिना बात के दूसरे से जलन करके स्वार्थ से सबका सब कुछ छीन लेने की भावना रखकर इस जीवन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। अपनी रचनाओं में प्रेमचंद ने अपने इन्हीं सुंदर जीवन दर्शनों को अभिव्यक्त किया है और ये कामना की है कि यदि मनुष्य उनका पाठक उन जीवन दर्शन से थोड़ा बहुत भी लाभ उठा सके तो निश्चित रूप से ये जीवन बहुत सुंदर है, जीने योग्य है। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के अन्य जीवन दर्शनों को उनके उपन्यासों के माध्यम से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।